इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नए साल का ये वीकेंड भी काफी अच्छा रहा है। और दोस्तों हॉलीवुड की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के बॉक्स ऑफिस के बारे में, जिसे कि रिलीज किए आज 20 दिन होने वाले हैं, और इन 20 दिनों के बाद भी दोस्तों ये फिल्म भी रुकने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि जेम्स कैमरन के डायरेक्शन में बनने वाली अवतार द वे ऑफ वाटर एक साइंस फिक्शन एडवेंचरस फिल्म है, जिसमें आपको कई सारे बेहतरीन एक्शन सीन्स और बेहतरीन विजुअल्स देखने को मिलने वाले हैं। सैम वर्डिक्टन, जोए सेल्डाना और कैट विंसलेट की इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 हफ्ते पहले ही रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 40 करोड़ से ज्यादा बड़ी ओपनिंग इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर लेकर कमाल कर दिया था। शुरुआती 3 दिनों में यह फिल्म 130 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी। वहीं दोस्तों दुनिया भर में यह फिल्म लगभग 4,500 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने 193 करोड़ 60 लाख रुपए इंडिया से कमाए, 100 करोड़ रुपए अपने दूसरे हफ्ते में कमाए। तो वहीं दोस्तों यह इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तीसरा हफ्ता चल रहा है, जहां पर इस फिल्म ने अपने 15वें दिन 10 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए थे, 16वें दिन कमाए थे 12 करोड़ 50 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अपने 17वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस 17 करोड़ 50 लाख रुपए के रहे। कल यानी कि दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो भी काफी बढ़िया रहे, और इस फिल्म ने 6 करोड़ रुपए के आंकड़े को कल अपने 19वें दिन भी पार किया है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 346 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 20वां दिन है। आज की एडवांस दोस्तों इस फिल्म की 2.5 करोड़ रुपए की है। साथ ही साथ दोस्तों मॉर्निंग से ही इस फिल्म को आज भी IMAX 3D पर 80% की ऑक्यूपेंसी हासिल हुई है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज भी 5 करोड़ रुपए तक की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 351 करोड़ रुपए का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों यह फिल्म 430 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी होगी। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 12,400 करोड़ रुपए की कमाई 19 दिनों में कर चुकी है, और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में टॉप 10 में आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों यह फिल्म इंडिया में भी अवेंजर्स एंड गेम के रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। ही हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।